भारत निर्वाचन आयोग की साइट हैक करने वाले आरोपी को सहारनपुर की साइबर सेल की टीम ने कल शाम दबोच लिया। आरोपी विपुल सैनी ने मध्य प्रदेश निवासी अपने दोस्त की मदद से साइट को हैक किया। इसके बाद दोस्त के साथ मिलकर 10,000 वोटरों की आईडी कार्ड भी बना डाले। आरोपी युवक के खाते से 60 लाख रुपए बरामद हुए हैं। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया। इस गिरफ्तारी के बाद से पूरे देश की एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। देश में कोरोना की दूसरी लहर कायम है। महाराष्ट्र और केरल दो ऐसे राज्य हैं जहां हालात अब भी काबू में नहीं है। मुंबई में डेल्टा प्लस वेरिएंट से पहली मौत हुई है। मरीज 63 वर्षीय महिला थी जो घाटकोपर में रहती थी। वहीं बीते 24 घंटों में देश में कोरोना के 40,120 नए मामले सामने आए हैं और 585 लोगों की मौत हुई है। कोरोना और उससे भी खतरनाक माने जाने वाले दुनिया भर के अज्ञात वायरस और जैविक आतंकवाद से मुकाबले के लिए लखनऊ के रहमान खेड़ा में जमीन खोज ली गई है। किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय ने देश की दूसरी बायोसेफ्टी लेवल 4 लैब के लिए 50 एकड़ भूमि का चिन्हीकरण कर लिया है। केजीएमयू के कुलपति डॉ विपिन पुरी के अनुसार लैब को बनने में करीब 3 वर्ष लगेंगे। लैब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सर्वाधिक महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि सरकारी आवास सेवारत अधिकारियों के लिए है, न कि परोपकार और उदारता के रूप में सेवानिवृत्त लोगों के लिए। शीर्ष अदालत ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के उस आदेश को खारिज करते हुए एक टिप्पणी की जिसमें एक सेवानिवृत्त लोक सेवक को इस तरह के परिसर को बनाए रखने की अनुमति दी गई थी। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि आश्रय के अधिकार का मतलब सरकारी आवास का अधिकार नहीं है। भारत के प्रधान न्यायाधीश वी रमना ने कहा कि जब कोई जज बनने का फैसला करता है तो उसे कई त्याग करने पड़ते हैं, कम पैसे, समाज में कम भूमिका, बड़ी मात्रा में काम। फिर भी एक क्रांति है कि न्यायाधीश बड़े बंगलों में रहते हैं, छुट्टियों का आनंद लेते हैं। गोरखपुर में बदमाशों ने की लाखों की लूट, असलहे के दम पर 4 लाख की लूट की। फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस के कर्मियों से की लूट, घर में घुसकर घटना को दिया अंजाम। सूचना पर पहुंचे डीआईजी, एसएसपी, चौरी चौरा क्षेत्र के महादेवा की घटना। अमेठी में दबंगों ने बाइक सवार युवकों से की मारपीट, मारपीट में दो बाइक सवार युवक हुए घायल, दोनों घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। मारपीट के दौरान पुलिस बनी रही मूकदर्शक, पीड़ितों ने दबंगों के खिलाफ थाने में भी तहरीर। जामुन थाने के दखिनवारा गांव का मामला। बलिया जेल से शातिर अपराधी हुआ फरार, शौचालय की खिड़की तोड़कर फरार, उप जेल की तहरीर पर केस दर्ज, 2 दिन पहले पुलिस ने अरेस्ट किया था। सुखपुरा अस्थायी जेल से कैदी फरार। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में लगी गोली, घायल बदमाश पर 1 लाख का था इनाम। कब्जे से एक बाइक, पिस्टल, कारतूस बरामद, हत्या, डकैती समेत 37 मुकदमे हैं दर्ज। बुराना कोतवाली के बड़ौत रोड पर हुई मुठभेड़। पूर्वी लद्दाख के गोगरा हाइट्स क्षेत्र में भारत और चीन के बीच डिसएंगेजमेंट का काम पूरा हो गया है और दोनों देशों के सेनाएं अपने स्थायी ठिकानों पर वापस आ गई हैं। 31 जुलाई को हुई 12वीं कोर कमांडर स्तर की बैठक के दौरान भारत और चीन के बीच गोगरा हाइट्स से अलग होने का समझौता हुआ था। दोनों पक्षों ने पूर्वी लद्दाख में पेट्रोल पॉइंट 17A के आसपास से किनारा कर लिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जनपद गाजीपुर के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। मुख्यमंत्री ने बाढ़ पीड़ितों से भेंट कर उन्हें राहत सामग्री वितरित की व जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सुपर मिलेनियम स्टार अमिताभ बच्चन की प्रतीक्षित फिल्म चेहरे 27 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होते हैं। उजालों का मजा दूसरे लो, मुजरिम कभी पकड़े नहीं जाते लेकिन पाते हैं अदालत से सजा दूसरे लो। बिजनौर में दिनदहाड़े किन्नर की गोली मारकर की हत्या, किन्नर के पति ने दिया वारदात को अंजाम, मामूली कहासुनी को लेकर की हत्या, पुलिस फरार आरोपी पति की तलाश में जुटी। अफसलगढ़ के गोहरेड़ी इलाके का मामला। देश भर के उच्च न्यायालयों में कुल मिलाकर 453 रिक्तियां हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय में 71 पदों की स्वीकृत शक्ति है लेकिन केवल 31 न्यायाधीश पोजीशन में है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में 107 न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या है जहां 94 न्यायाधीश कार्यरत हैं जबकि 66 पद अभी भरे जाने बाकी हैं। अफगानिस्तान में तालिबान के लगातार जारी आक्रमण की वजह से बिगड़ते हालात संभालने पर चर्चा के लिए कतर की मेजबानी में क्षेत्रीय बैठक का आयोजन हुआ। इस बैठक में भारत ने भी शिरकत की। बैठक के बाद जारी संयुक्त बयान में बताया गया कि सभी पक्षों ने अफगानिस्तान में शांति प्रक्रिया तेज करने पर सहमति जताई और कहा कि वार्ता प्रक्रिया दोनों पक्षों की ओर से वार्ता के ठोस प्रस्तावों पर होनी चाहिए। आतंकी संगठन अलकायदा के अनुसार गजवातुल हिंद मॉड्यूल की जांच एनआईए ने टेक ओवर कर ली है। लखनऊ स्थित एनआईए थाने में इसका केस दर्ज कर लिया गया है। दिल्ली के एनआईए मुख्यालय से आईजी आशीष बत्रा लखनऊ आ गए। डीआईजी प्रशांत कुमार और एसपी ज्योति प्रिया सिंह समेत तमाम अधिकारियों के साथ इस मामले की समीक्षा की और जांच को लेकर अहम दिशा निर्देश दिए। सब्सक्राइब अविरल टाइम्स फॉर लेटेस्ट न्यूज अपडेट एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द लेटेस्ट वीडियो अपडेट।